हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए चिकन मनचाउ सूप बनाऊंगी। देखिए कितना टेस्टी है ये। कैसे बनाएंगे इसकी विधि मैं आपको बता रही हूँ, चलिए बनाते हैं। चाउ सूप के लिए देखिए हमें ये सम्रागी चाहिए, धनिया पत्ती है, ये गाजर घिसा हुआ है, ये पत्ता गोभी, ये हमने प्याज रखा है, लहसुन मिर्ची हल्का सा कूट लिया हमने, अदरक घिस के रखे हूँ, ये शिमला मिर्च है, कॉर्नफ्लोर लिया है हमने, नमक, विनेगर है, सोया सॉस, चिली सॉस, दो अंडे हमने रखे हैं और चिकन उबाल के रखा है, काली मिर्च का पाउडर हमने रखा है। इतना चीज़ चाहिए हमें बनाने के लिए। अब बताती हूँ कैसे बनाएंगे। पहले हम कढ़ाई खूब गर्म कर लेंगे, उसके बाद तेल डाल देंगे। देखिए तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया, अब इसमें हम सारा सामान डालेंगे। पहले ये पहले लहसुन मिर्ची हमने डाल दिया, अब अदरक डाल देंगे, गुलाबी हो गया, इसमें हम सॉस डालेंगे, विनेगर डालेंगे इसमें हम, तो सोया सॉस फिर हम डालेंगे थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, मिलाएंगे, हल्का दो तीन बार चला के उसमें हमने प्याज डाल दिया, सारे सब्जियां डाल देंगे। लेकिन हम पानी में से हमने छान लिया चिकन को, ऐसे अच्छी तरह चॉप कर लिया है। इधर मैं इसे भून रही हूँ सारी सब्जियों को, फिर चिकन को भी डाल देंगे, चिकन भी भूनेंगे। अभी हमारा हल्का भून गया है, अब इसे हम इसमें पानी डालेंगे जो हमने चिकन बॉयल वाला पानी रखा था, से पानी डाल के इसे हम मिला देंगे, थोड़े पानी और डाल दूंगी। अब इसमें नमक डालूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डालना है, तक हम इसे ढक देंगे। अब इसमें हम थोड़ी चीनी डालेंगे एक चम्मच, इसे हम 10 मिनट ढक के पकाएंगे। ये अंडे को हमने फेंट लिया है अच्छी तरह फेंट के, अब इस उबल चुका है इसमें डालूंगी, देखिए अंडा डालते समय हमने नहीं चलाया है, बाद में चलाया, देखिए अब अच्छी तरह यह अंडा दिखने लगा। अब हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे जो हमने खोल के रखा है, बीच बीच में चलाते जाऊंगे। और तीखी खाना चाहते हैं तो हरी मिर्च का पेस्ट डाल के इसमें मिला दीजिए। अब देखिए इसमें हम धनिया पत्ती दे के उतार लेंगे, हमारा सूप तैयार हो गया। देखिए कितना टेस्टी सूप बन के हमारा तैयार हो गया ये।